रूट में गार्ड ड्राइवर एंड सीएनडब्ल्यू स्टाफ के लिए एक सूचना देंगे कि आप लोगों का अगर एंड रूट में गाड़ी चलती हुई ट्रेन में अगर फीवर एक्टिव हुआ, रेड इंडिकेशन में गाड़ी खड़ा हो गया, उसके बाद में आप आते हैं और इधर आके देखते हैं कि इधर से हवा निकलता है। अभी आप आके इस पॉइंट को आप ऑफ कर देता है, आइसोलेटिंग कर देता है, मतलब इसके बाद में आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपको देखना क्या चीज़ है, दिखा कर देता है और आप फिर से रिटर्न बैक चले जाते कैब में। ऐसी मत करिए, आप थोड़ा से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फीवर एक्टिव है कोई कारण से। क्या कारण आपको देखना पड़ेगा कि बेलों में कोई हवा का कुछ प्रॉब्लम हुआ था होगा, तो आपको पहला यही देखना है कि इस तरफ का इंस्टॉलेशन लेवल ठीक है कि नहीं, और दूसरा तरफ का भी इंस्टॉलेशन लीवर इस तरीके का लगा हुआ कि नहीं। अगर नहीं लगा होता, मैक्सिमम केस में देखा गया कि ये इंस्टॉलेशन लीवर टूट के नीचे तरफ में गिरा होता है। इंस्टॉलेशन लीवर गिरा होने से क्या होता है, गाड़ी 60 km/h के अंडर में हो जाता है। कारण क्या है, इस बेलो में हवा नहीं रहता है। लैक ऑफ नॉलेज के वजह से गाड़ी 120-130 किलोमीटर में चलते है और गाड़ी डेंजर पोजिशन से गुजरता है।